जगत नियंता जगताधार बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। पतित पावनी माँ गंगा मैया की पवित्र लहरों को प्रणाम करती हूँ। श्रद्धे मंच में उपस्थित समस्त विद्वत जनों को प्रणाम करती हूँ और आप जैसे स्थित प्रज्ञ श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। प्रथम चार पंक्तियां उस प्रकृति के चरणों में, वाह, आप सभी आवाज से नवाजते रहेंगे तो खुशी मिलेगी मुझे और मैं भी कुछ कह पाने में अपनी सामर्थ्यता जता पाऊंगी। सुनिए, नमन दिन कर को करती हूँ, नमन दिन कर को करती हूँ, जगत जिन से प्रकाशित है। नमन दिन कर को करती हूँ, जगत जिन से प्रकाशित है। नमन गंगा को करती हूँ, नमन गंगा को करती हूँ, धरा जिन से सुवासित है। नमन गंगा को करती हूँ, धरा जिन से सुवासित है। नमन नमन माता पिता को है जिन्होंने सृष्टि में लाया, नमन सुंदर। आप सभी सुन रहे हैं, काशी की धरती जिसे स्वीकार कर लेती है तो प्रेम के क्षेत्र में उसे पंडित राज बना देती है। काशी की धरती जिसे उपेक्षित कर देती है उसे तुलसीदास बना देती है। काशी की धरती जिसकी परीक्षा लेती है उसे हरिश्चंद्र बना देती है। और इस पवित्र काशी की नगरी में मैं काव्य पाठ कर रही हूँ, यकीन जानिए जब जब मैं बनारस आती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी कविता को तीर्थ कराने आई हूँ, गंगा स्नान कराने लाई हूँ। और भाई दमदार बनारसी को तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि काशी ने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है कि काशी स्वयं में अपने आप में गर्व महसूस करती होगी। संस्कृत में एक श्लोक है, मैं ब्राह्मण हूँ जाति से तो जाति का परिचय भी देती रहूंगी। मुझे कोई अफसोस नहीं है कि आप लोग कैसे लेते हैं मेरे विचार को, कि एक नाथ सुपुत्रेण सिंह सुपित निर्भया सहैव दसभि पुत्रे भारम भवति राशिभि। गधे के 100 पुत्र होते हैं तब भी बोझ ही ढोता है और सिंहनी के एक पुत्र होता है तब भी वो निर्भय होकर राज्य करती है। क्या बात है, सुनिएगा। अब मैं आपके मन की कविता पढ़ती हूँ। दर्पण दर्पण दर्पण, ये माताएं बहनें भी कुछ यहाँ पे बैठी हुई हैं, मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ। दर्पण 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 भी वफा का मैं दरकने नहीं दूंगी, दर्पण भी वफा का मैं दरकने नहीं दूंगी, पानी कभी भी आंख का मरने नहीं दूंगी, कभी भी आंख का मरने नहीं दूंगी। मैं अपने बुजुर्गों की आन बान शान का, मैं अपने बुजुर्गों की आन बान शान का, पल्लू कभी भी सर से सरकने नहीं दूंगी, पल्लू कभी भी सर से सरकने नहीं दूंगी। और यहाँ ये पंचरत्ना बेटियां बैठी हुई हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, इनको समर्पित करती हूँ। सुनिएगा आप, छन छन, शुक्रिया आलम साहब, शुक्रिया। छन 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 नन छनन छनन चूड़िया बजे, छन छन नन छनन छनन चूड़िया बजे, आ गई नव रात देखो बेटियां सजे, आ गई नव रात देखो बेटियां सजे, बेटियां होती हैं सुनो
लालच न करे बेटों की खुद गर्जिया तजे। आ गई न वो रात देखो बेटियां सजे। बेटियां संवेदनाओं का स्पर्शी एहसास है, आने वाले कल की आगाज है। और रोटियां कम देख बेटियां ही तो कहती हैं, पापा आप खा लो मेरा उपवास है, पापा आप खा लो मेरा उपवास है। बहुत बढ़िया। और आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं, देखिए इस देश की मैं इकलौती कुरूप कवित्री वरिष्ठता की ओर अग्रसर। और मुझे लग रहा है कि आप सब मेरे मुझे मन से सुन रहे हैं, इसलिए मैं सुना रही हूँ। और सच बोल मानिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी भी बैठे होंगे। और पब्लिक सर्विस कमीशन से पहले मैं भी तैयारी कर रही थी अनामिका जी, पर फिर मैंने मोहभंग मेरा हो गया। और उसका कारण ये था कि कमीशन के द्वारा चयनित होकर आना, कमीशन देकर आना, और फिर कमीशन से एकत्रित करना और कमीशन देकर चंदा करा करके कविता सम्मेलन करा देना। तो इसलिए मैंने कहा मैं कवि बन जाती हूँ, कवित्री ही बन जाती हूँ। आप सुनिएगा वो चार पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूँ, युवा साथियों को समर्पित करती हूँ कि देखिए ये अपेक्षा की पंक्तियां हैं। एक नायिका नायक से कैसी अपेक्षा करती है, सुनिएगा। स्वागत है। तुम जो बादल बनो मैं बनूं दामिनी, तुम जो बादल बनो मैं बनूं दामिनी, तुम जो चंदा बनो मैं बनूं चांदनी, तुम जो चंदा बनो मैं बनूं चांदनी। नेह के दीप की बरती का मैं बनूं, काम का रूप तुम हो मैं हूँ कामिनी, काम का रूप तुम हो मैं हूँ कामिनी। और देखिए जब बेटी अपने प्रेमी ईश की आराधना करती है तो अपने प्रेमेश में ही कैसी भावना रखती है, वो ये चार पंक्तियों में सुनिएगा। सृष्टि में तुम विषय वस्तु हो गर्व के, तुम ही तो हो प्रणेता प्रणय पर्व के। मैं ये कहती नहीं जग है कहता तुम्हें, काम ना हो मेरे तन हो गंधर्व के, काम ना हो मेरे तन हो गंधर्व के। और इतने मन से आप सुन रहे हैं तो ये चार पंक्तियां और संभालिएगा कि यही असी घाट था। चार वर्ष पूर्व मैं आई थी और दो आपस में युगल बैठ के अनामिका जी बात कर रहे थे, उनके बाद से ये चार पंक्तियां उभर कर आई थी, वो मैं सुना रही हूँ। सुनिएगा सुनिएगा। सस श्यामल हो तुम मैं हूँ शुभ वर्णिका, सस श्यामल हो तुम मैं हूँ शुभ वर्णिका, कल्प सरु से हो तुम कल्प तरु से हो तुम मैं कल्प तरु से हो तुम मैं हूँ लघु पर्णिका, कल्प तरु से हो तुम मैं हूँ लघु पर्णिका। सिद्ध साधक हो तुम काशी विश्वनाथ के, मोक्षदायी हूँ मैं जैसे मणिकर्णिका, मोक्षदायी हूँ मैं जैसे मणिकर्णिका। और ऐसे ही मन से आप सुन रहे हैं तो मुझे भी मन कर रहा है मैं एक वो गीत पढ़ देती हूँ। एक इस तरीके से समझिएगा कि मैं उस गीत का ये समझती हूँ कि आज गजल की बात मैं नहीं करूँगी क्योंकि समय बहुत कम है और मुझे लग रहा है कि भी बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है, हमें बड़े शायरों को सुनना है जो हमारे बीच में विदेश से भी आए हुए हैं। तो मैं कम समय लेते हुए एक वो अपने मन का गीत पढ़ना चाहती हूँ, माटी का गीत पढ़ना चाहती हूँ। और इस गीत की भूमिका में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक बेटी तरुणावस्था को प्राप्त कर रही है, धीरे धीरे वो यौवनावस्था की तरफ प्रवेश कर रही है, और उसकी जो बड़ी बहन और माँ है उसके सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे क्या एहतियात बरतने को कहती है वो सुनिएगा। क्योंकि उसके गाँव में परदेशी आया हुआ है और परदेशी जो है उससे सावधान रहने की बात बड़ी बहन और माँ कैसे समझाती है, सुनिएगा। आपकी माटी का गीत है, सुनिएगा। पूर्वी 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 तरन्नुम में सुनिएगा।
हरदी के रंग पर देसिया के संग ए हो बिटिया न की जो हरदी के रंग पर देसिया के संग ए हो बिटिया न की जो और क्यों नहीं करना सुनिए हरदी के रंग मर जाता कुल के है तोहरे न हाथे तोह का भी यह बै सुंदर बर के साथे मर जाता कुल के ना की न तू भंग ए हो बिटिया ना की जो मर अंतिम बंद गीत का प्राण बंद पंडित तो बोलो